वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरबप्रीत कौर, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पॉडकास्ट विच तुहाडा स्वागत करनी हाँ। विसाखी दे उपलक्ष विच अज दा लेख विसाखी दी महानता ते योगदान तुहाडे अगे रख रहे हाँ। विसाखी भारतीयां लई भावें मंगलमई अते खुशहाली दा दिवस है, पर सिख धर्म, सिख साहित, सिख इतिहास ते सिख पंथ विच विसाखी दी विशेष महानता भी है अते अदुती योगदान भी है। जे ए आख्या जावे कि सिख धर्म दी संपूर्ण उसारी सिख पंथ दी शक्ति ते हस्ती दा प्रगटा विसाखी दे परछावें थले ही होया है, ता इस विच इतिहासक सच है। जिवें सूरज दी गति अनुसार विसाख ते पहले दिन नूं विसाखी आख्या जांदा है, बिल्कुल इसे भावना विच विसाखी दिवस उते सिख सूरज वांग गुरु तेज प्राप्त करके खालसई रूप स्वरूप विच उजागर हुंदा है। सूरज दा प्रतीक व्यापक पद्धर उते गुरु जां गुरु दे ज्ञान प्रकाश वास्ते ही वर्त्या जांदा है। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सूरज दे प्रकाशमान होण नाल जिवें हर पासे प्रकाश ही प्रकाश हुंदा है, इसे तरह विसाखी दिवस उत्ते खास करके 1699 दी विसाखी नूं सूरज दे ज्ञान प्रकाश वांग सिख ने खालसई ज्ञान प्रकाश नाल अंदरों बाहरों एकता ते बराबरता सद्भावना ते समर्पित सहज ते मर्दानगी दी बिरती नाल अपने आप नूं शिंगार के धर्म जगत विच जिवें स्थापित कीता है अते जिवें विलक्षण होण दा प्रमाण निश्चित कीता है, निश्चय ही खालसे दा सिरजनात्मक मंडल महानता पक्षों भी अते योगदान पक्षों भी विसाखी नाल जुड़ गया है। यही कारण है कि गुरु गोबिंद सिंह जी पिछों विसाखी एक मंगलमई ते खुशहाली दिवस वजो ही नहीं सगो खालसे दी सिरजना, राज स्थापती ते पंथ दी चढ़दी कला दे स्रोत वजों भी खास करके पंजाब विच मनाई जांदी है। खालसई इतिहास दियां एक नहीं अनेक घटनावां विसाखी नाल जुड़ियां होईयां हन। इंज जापदा है कि विसाखी अध्यात्मक अते सूरबीरता पक्खों सिख धर्म, सिख इतिहास ते सिख पंथ नाल इन्नी डूंगी ते स्थाई सांझ पा चुकी है कि विसाखी मंगलमई दिवस दी थां खालसे लई एक गुरपुरब दा रूप धारण कर गई है। विसाखी दियां अध्यात्मक जड़ां विसाख दे चरित्र विच हन अते विसाख दे अध्यात्मक चरित्र विचों अपने आप नूं कढ़ के जदों सिख गुरु गोबिंद सिंह जी दे आत्मक मंडल विच पहुंचता है ता विसाखी नाल ओ अजिही सांझ पा लैंदा है कि जे गुरु सीस मंगदा है ता ओ सीस पेट करन नूं तैयार हो जांदा है, जे गुरु प्यारा कहन दा मान देंदा है ता प्यारा होन विच गौरव अनुभव करदा है, जे गुरु अमृत छका के अंतर ते अनक बद करांदा है ता जागदा योद्धा बन जांदा है, जे गुरु गुरु चेले दा वंड वितकरा मिटा के बराबर होन दा अधिकार ही नहीं सगो धर्म चलावन, संत उबारन ते दुष्ट सभन नूं मूल उपारन दा वरदान देंदा है, ता खालसा सारी जिंदगी इन्हां आदर्शां नमित जीवन दा प्रण कर लैंदा है। विसाख महीने दी विसाखी कोई होवे, हर विसाखी सिखी आदर्शां ते खालसई वरदानां दी प्राप्ति नाल जुड़ी होई है। यही कारण है कि गुरु जीवन ते सिख इतिहास दियां अनेक घटनावां ते कई प्राप्तियां विसाखी नाल सहजे ही जुड़ गईयां हन, जिन्हां कारण पंजाब विच ही नहीं सगो सिख इतिहास विच भी विसाखी दी महानता होर वध गई है। सिख धर्म दे बाणी जां सिरजनहार श्री गुरु नानक देव जी नूं स्वीकार कीता जांदा है। आप जी दा प्रकाश पुरब भावें सारा सिख जगत कत्तक दी पूर्णमाशी नूं मनांदा है, पर इतिहास साखी है कि गुरु नानक देव जी दा प्रकाश विसाख महीने विच ही होया सी।
गुरु नानक देव जी दे जीवन दियां कई महत्वपूर्ण घटनावां भी विसाखी दिवस नाल ही संबंधित हैं। उदाहरण वजो विसाखी वाले दिन ही आप जी ने हरिद्वार विखे लेंदे वल पानी दे के पितरां नूं पहुंचाउण वाले पानी संबंधी पए परम जाल नूं तोड़िया सी। गुरु अमरदास जी वालों गोइंदवाल विखे बन रही बौली का कड़ भी विसाखी वाले दिन ही टुटा सी। गुरु हरकृष्ण साहेब का ज्योति जोत समाउन वेले बाबा बकाले का संकेत उजागर करना यह भी विसाखी दिन नाल ही जोड़िया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पिछों गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरु सिंघासन उत्ते बैठन का दिन भी विसाखी ही स्वीकार किया जाता है। खालसे का साजना दिवस विसाखी 1699 का जगत प्रसिद्ध है। यह भी आख्या जाता है कि विसाखी नू मंगलमई दिवस पछाण के भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी के हजूर आया सी अते अखीर सारी जिंदगी गुरु दरबार जोगा ही हो गया सी। आदि ग्रंथ बारे सब नू पता है कि गुरु अर्जन देव जी ने संपादित किया सी, पर यह बहुत घट लोगों नू पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने साबो की तलवंडी विखे बैठ के आदि ग्रंथ विच गुरु तेग बहादुर जी की बाणी चढ़ा के जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपूर्ण होने का ऐलान किया सी तां उह दिन भी विसाखी वाला ही सी। इंज जापदा है कि गुरु इतिहास ते गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन विच विसाखी एक पवित्र ते मंगलमई दिवस ही नहीं सी, सगो सिखी ते खालसई आदर्शां नू उजागर करन हित प्रेरणामई स्रोत भी बन गया सी। खालसा पंथ जां पंथक हस्ती विसाखी नू अपना रचन जां प्रगट दिवस स्वीकार करदी है। 1699 दी विसाखी ने सिखां नू अमृत छका के जो खास खालसई रूप दिता है, अपनी जान ते प्राण कह के जो मान दिता है, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजा प्यारियां कोलों अमृत छक के जिवें सदियां तो परंपरागत स्वरूप विच स्थापित गुरु चेले दे फर्क ते वितकरे नूं मिटा के एकता ते लोकतंत्री भावना नूं प्रचंड किया है। गुरु ते बाणी दी ताबिया विच रह के आत्म बोध ते अनख बोध जगा के जिवें सहज मरदानगी ते चढ़दी कला दे मंडल विच जीवन दा आदेश ते वरदान दिता है। जिवें पिता गुरु गोबिंद सिंह, माता साहेब देवा, वासी आनंदपुर, विरसा ते रास गुरु ग्रंथ साहेब दे गुरु इतिहास, यह सरब सांझा अनुभव समुच्चे खालसा पंथ दा जगा के उसनू सदा एकता बराबरता सद्भावना ते सहयोग दे वातावरण विच रहन दा आचार समझाया है। निश्चय ही जिथे जिथे भी खालसा है, देश विच है जा प्रदेश विच है, वह हर विसाखी की सिमरति विच 1699 की विसाखी दियां प्राप्तियां नाल अपने आप नू जोड़ के अपनी मौलिक साबत ते सुतंतर पंथक हस्ती उत्ते मुड़ मान के गुरु गोबिंद सिंह जी प्रति धनवाद दे संस्कार जोड़ लैंदा है। खालसा पंथ प्रति उजागर है कि वह भावें संकट विच सी, युद्धां विच सी, कलूकारियां विच सी, जंगलां ते मारुथलां विच सी, वह जिथे भी हुंदा सी विसाखी अक्सर श्री दरबार साहिब अमृतसर पहुँच के ही मनांदा सी। 1919 दा खूनी साका, जिसनू जलियांवाले बाग दा इतिहासक साका भी आख्या जांदा है, क्योंकि यह खूनी साका भी अमृतसर ही वापरिया सी ते भारतीय आज़ादी लहर नू प्रचंड करन विच सहायक भी होया सी। इस लई अध्यात्मक अते राजनीतिक दोहां पदरां उत्ते अमृतसर दी विसाखी नू विशेष मानता ते महानता प्रदान कीती जांदी है। भारत ते पंजाब दे पवित्र मंगलमई ते इतिहासक दिवसां विच वी विसाखी ने जो महानता ते खास करके खालसा पंथ अते भारतीय आज़ादी लई जो योगदान दिता है, निश्चय ही कोई होर दिवस विसाखी दे बराबर नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।